हेलो नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल इंडियन गृहिणी में। तो गाइस, आज मैं लाई हूँ आपके लिए गुजरात का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड फाफड़ा। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब डिश होती है। तो चलो आइए देखते हैं गुजराती फाफड़ा बनाने की ये रेसिपी। तो गाइस, सबसे पहले हम एक कटोरी बेसन लेंगे, इसे हम छान लेंगे। इसमें डालेंगे अजवाइन, अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल करीब 2 टेबलस्पून, बड़े वाले टेबलस्पून ही इस्तेमाल करने का यहाँ पे। करीब आधे टेबलस्पून से भी कम बेकिंग सोडा लेंगे हम। वैसे तो गाइस, पापड़ बनाने में पापड़ खार का इस्तेमाल होता है, मगर पापड़ खार आसानी से यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है मुझको, तो मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुनगुने पानी से, लुकवार्म वाटर से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। गाइस, डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। डाल दें स्वाद अनुसार। हम गुनगुने पानी से इसका डो रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से इसका डो रेडी कर लिया है। डो तैयार करने में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस यही ध्यान रखना है, डो ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। ये देखिए, अब हम इसे करीब आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। डो सेट होता है जब तब तक हम कढ़ी बना लेंगे, जो कि फाफड़े के साथ खाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसन ले लेंगे, इसमें हम थोड़ी स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हल्दी डाल देंगे, और जैसे हम घर में नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं ऐसे ही इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, कढ़ी बनाने के लिए हमारा घोल रेडी है। अब हम इसको एक कढ़िया में डाल देंगे और इसको गाढ़ी होने तक चलाते रहेंगे। इसमें से हम थोड़ी सी चीनी भी डाल देंगे, क्योंकि कढ़ी फाफड़े के संग जो खाई जाती है वो मीठी ही खाई जाती है। सबसे पहले हम कढ़िया में 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे, घी ना ले तो आप ऑयल ले लीजिए। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई यानी कि सरसों के दाने, और जो हमने बैटर रेडी किया था वो डाल देंगे। गाइस, इसमें वैसे तो करी पत्ता भी डलता है तड़के के साथ, मगर करी पत्ता मुझ पे अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी एज पर टेस्ट, और इसको हम भिगोने देंगे। वैसे तो गाइस, अक्सर कढ़ी में दही छाछ या मठा कुछ भी लिया जाता है साथ में, मगर मैंने यहाँ पे केवल बेसन पानी ही लिया था नमक डाल के, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी मैंने इसमें। अगर मुझे इसको खट्टा खाना है या आप लोगों को खट्टा खाना है, तो मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर में थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी।
ये देखिए गाइस, करीब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ी भी गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप और गाढ़ी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर और चलाते रहिए। तो ये देखिए गाइस, करीब आधे से पौने घंटा हो चुका है और हमारा डो भी फाफड़े बनाने के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर मसल के और चिकना कर लेंगे। ये देखिए, हम ऐसी लंबी लंबी लोई बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि फाफड़े जो हमें बेलने हैं वो लंबाई की शेप में ही बेलने हैं, तो इसलिए हम ऐसे सारी लोई अपनी प्रिपेयर कर लेंगे। गाइस, इस तरह से हमने अपनी सारी लोई तैयार कर ली है। अब हम इसको बेल के और गरम ऑयल में हाथ के हाथ तल लेंगे। ऑयल भी पूरा गरम होना चाहिए और हमें फुल फ्लेम पे ही इसको सेक लेना है। तो आइए चलो देखते हैं, इसको हम बेलेंगे ऐसे। हम नाइफ की हेल्प से इसको ऐसे छुटा देंगे और बीच में से काटने के बाद हम इसकी किनारियों को यूं हल्का सा फोल्ड कर देंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर मैं एक डिजाइन के तौर पे इसको आपको दिखा रही हूँ। इसको हम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें अपने सारे पापड़े रेडी कर लेने हैं और इसे हाथ के हाथ ही हमें फ्राई करने हैं। तो गाइस, हम अपने सारे लोई को ऐसे ही बेल के अपने सारे फाफड़ा हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, फाफड़े के साथ खाने के लिए हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे, मगर फ्राई करने से पहले हम इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि ये उछल सकती है इसलिए। तो गाइस, ये रेडी हो चुके हैं हमारे फाफड़े, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बने हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच।